नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सनोमी रंगढाली में। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेवेन्यू जिसको हिंदी में कहते हैं आगम, आगम के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अलग अलग अवधारणा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है, मेनली तीन कॉन्सेप्ट है, TR, MR, AR। TR मीन्स टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, MR मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम, AR एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे TR, MR, AR को निकालते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज हम बताते हैं आपको कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आई हुई हैं, USCB 2012 में, 2012 के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यूनिट दिया हुआ है, प्राइस ऑफ पर यूनिट दिया हुआ है, TR और MR आपको कैलकुलेट करना है। एक और प्रॉब्लम है, कंप्यूट TR, MR एंड AR इन द फॉलोइंग टेबल, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इज 10। मार्केट प्राइस गुड्स दे रखा है 10, उसके थ्रू आपको TR, MR, AR की कैलकुलेशन करनी है कि TR, MR और कैलकुलेशन क्या होता है। चलिए इसको बताते हैं। इससे पहले आपको जो तीन कॉन्सेप्ट से आपने पढ़ा है, TR, MR और AR कैसे होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए आप कोई ना कोई वैल्यू दिया होता है। अगर आपको MR निकालना है और TR दिया हुआ है, तो MR निकालने के लिए TS फार्मूला होता है, TRn - TRn - 1। AR निकालना फार्मूला होता है AR = TR/Q। अगर ए और एम आर दोनों में से कोई एक दिया होता है और टी आर निकालना है, तो टी आर इक्वल टू, मान लीजिए ए आर दिया रहा है, तो एक फार्मूला होता है AR × Q, और दूसरा टी आर निकालने का फार्मूला होता है TR = MR summation, मीन्स MR को आपस में जोड़ के फिर निकालते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल अगर TR का फार्मूला हम देखें, तो TR निकालने का फार्मूला TR = Quantity × Price per Unit। यानी फार्मूलेस का यूज़ करके हम जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया, पहला वाला क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में USEB 2012 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन है ये इस तरह, यूनिट दिया हुआ है, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, टी आर और एम आर निकालना है। टी आर निकालने के लिए फार्मूला बताया था, TR = Quantity × Price per Unit, मीन्स क्वान्टिटी है ये, प्राइस पर यूनिट है, इन दोनों को निकालेंगे, यानी कि टी आर का फार्मूला होता है, हम यहाँ पर लगाएंगे Quantity × Price per Unit। और सबसे अहम बात कि प्राइस पर यूनिट ही AR होता है, क्योंकि जो AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू मीन्स औसत आगम और प्राइस यूनिट दोनों सेम ही होता है और एक ही चीज़ होता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर AR लिख रखा है। यानी कि AR अगर क्वेश्चन में प्राइस पर यूनिट दे रखा है और AR, वो दोनों सेम ही होंगे, तो सबसे पहले TR निकालेंगे, TR यानी कि Quantity × Price per Unit, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 15, 13 × 26, 11 × 3 = 33, 10 × 4 = 40 और 7 × 5 = 35। ये हो गया आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद। और MR निकालने का फार्मूला क्या होता है, MR निकालने का फार्मूला होता है TRn − TRn - 1। कैसे, TRn का मतलब होता है जो नंबर दिया है वो n − 1 उससे ठीक ऊपर वाला, और ये हमसे टी आर से कैलकुलेट, मतलब 15 से ऊपर अगर कुछ है, क्योंकि 15 से ऊपर ऊपर कुछ नहीं होता है, तो फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम होगा, यानी कि 15। नेक्स्ट है 26, सेकेंड यूनिट पे टोटल TR है 26, इससे ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, 26 से हम 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 11, फिर 33 से हम 26 को माइनस करेंगे तो बचेगा जाके यहाँ पर 7, फिर 40 से 33 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 7, 35 से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका -5। इस तरह से इस टेबल को हम भर देते हैं सिंपल से। क्वेश्चन नंबर टू कुछ इस तरीके से था कि आपको मार्केट प्राइस पर यूनिट दिया हुआ 10, आपको मैं बता दूं जो मार्केट प्राइस दिया होता है यही आपका
ए आर है, यानी कि ये टेन ही ए आर है सबका जो सेम है, उसके थ्रू और टी आर एम आर, क्योंकि ए आर सेम है तो ए आर बार बार निकालने की जरूरत नहीं, एक ही बार में आ जाएगा। उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, जो क्वांटिटी दिया हुआ है ए आर दिया हुआ है, टी आर दिया हुआ है, एम आर, और यहाँ पर लिख देंगे कि क्या चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है मार्केट प्राइस इक्वल टू रुपीज़ 10 पर यूनिट, और यही हमारा ए आर है, तो इसी यूनिट को हम जो है ए आर के आगे लिख लेंगे, यानी कि 10 10 10 10, और ये हो गया 10। और टी आर निकालने का फार्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ, टी आर निकालने का फार्मूला होता है ए आर मल्टीप्लाई बाई क्वान्टिटी, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाए 10, 10 टू ज़ा 20, 10 थ्री ज़ा 30, 10 फोर ज़ा 40, 10 फाइव ज़ा 50 एंड 10 सिक्स ज़ा 60। अब एम आर निकालने का फार्मूला मैंने अभी बताया कि टी आर के जो भी क्वांटिटी निकाल, जो भी यूनिट पे दिया हुआ क्वांटिटी जो है टोटल पे, उससे ऊपर वाले इसको माइनस कर देंगे, 10 से ऊपर कुछ नहीं, यानी कि 10, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10 और 60 में से 50 माइनस करेंगे 10। यानी कि एम आर को निकालने के लिए सिंपल तरीका है, जो टी आर दिया हुआ है टी आर के जस्ट ऊपर वाले को उससे माइनस कर देंगे तो ये एम आर निकालेगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते हैं, क्योंकि तीन तीन नंबर में, चार चार नंबर में आ सकते हैं, देन आपको इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।